Guys, सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक होंगे? अपने घरों में खुश होंगे? तो आज मम्मा और मैं गई थी, मम्मा गई थी, मैंने कहा आज मम्मा मेरे ट्यूशन से छुट्टी करनी है। मम्मा कहती तो अब आप छुट्टी करोगी तब आपको चीजी नहीं लेके दूंगी। फिर अब फिर मम्मा मैं ट्यूशन पढ़ के आई, फिर मम्मा ने मुझे देखो ये डब्बा लेके दिए, ये टॉपर लेके दी, फिर ले ये जा रही है कल हानिया ट्रिप में। ये मैंने इसको पॉपकॉर्न लेके दिए, मैंने कहा था एक वाटर बोतल लानी है। सही है ना? इसमें बोतल में ये बोतल ठीक है? हाँ जी। ये पानी की बोतल ली है, ये केक लिए। ये मम्मा का दिल को गला होगा पर ये आज नहीं दूंगी। ये मम्मा की फेवरेट है, दे ये दो। आज नहीं दूंगी। मैंने इस ज्यादा सामान इसलिए ले दिया, मैंने के साथ इसकी एक सहेली भी है, चलो दोनों मिलके खा लेंगी, तो अगर रात को वापसी कम से कम ये 11-12 बजे से पहले नहीं आएंगे। मम्मा एक मिनट मेरी बात भी सुनना, पहले अपनी सुनाऊंगी फिर तुम्हारी सुनूंगी। पहले मेरी बात सुनाओ। जो बसनी होती उसके ऊपर मैम ने हमें बताया था, जो रात होगी ना तब हम भूत की मूवी लगाएंगे, तो ये ना इसलिए मैं पॉपकॉर्न लेके जा रही हूं, आराम से देखूंगी, आराम से पॉपकॉर्न खाऊंगी। हाँ, ये रात के टाइम वापसी भी खा लेना, ठीक है? हाँ। तो ये कुछ चीजें मैंने ज्यादा ले दी, मैंने कहा चलो साथ बच्चे भी खा लेंगे। अब ये ना हो के बस में बैठो तो खाना शुरू कर दो, सही है ना? आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाएंगे। मैंने कहना है वॉमिटिंग हो जाएगी ऐसे। हाँ, ये भी आज कभी जब भूख लगे, चस्का है ये, इसे पेट थोड़ी भरेगा। तो ये जिस सामान मैंने इसको, ये केक, ये हानिया कुछ नहीं, मैंने इसको भी ले दिया, मैंने कहा साथ इसकी दोस्त भी खा लेगी। ये लेज ले दिया, ये केक ले दिया, सब्र करी सुबह खानी है, तू नहीं खानी। मैंने थोड़ी ये टॉफियां लेके दी है, मैंने कहा आज मेरा भी दिल करता था आइसक्रीम खाने, इतना कर रहा था बस मैंने कहा हानिया से हानिया से शेयर करूंगी, सही हो गया ना? ठीक है, चले जी, खुशी खुशी जाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का सर नहीं फाड़ना। सबको पता चलना चाहिए ना कि हानि थोड़ी सी गुस्से वाली भी है। चले सारा सामान डालो, सुबह हम यूनिफॉर्म आपको दिखाएंगे, हानिया की तैयारी शैयारी दिखाएंगे। अभी तो मैंने इसका सर, यानी फाइनल लुक होगी ना। हाँ, ये वाली बंद कर दूँ अभी से? हाँ। बंद कर दो। हाँ। चले ठीक है जी। चले जी, आज मैं अपने सर को लगाने लगी हूँ ऑयल, ताकि बाल थोड़े से ख़राब हो गए, सर्दी है ना, तो सर्दी की वजह से बाल ख़राब हो गए। तो इसमें हम ऐड करेंगे ये जो मैंने अपना ऑयल बनाया, सरसों का ऑयल। इसमें मैंने बड़ा कुछ ऐड किया, जब मैं दोबारा बनाऊँगी ना फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो उसमें हम एक चम्मच में अब डालूँगी दोबारा ये ग्लैसलिन का, ताकि मैंने पहले बोला है कि ये जब तक सैमा जिंदा है तो ये सैमा के साथ रहेगी, ताकि ये मैंने हेयर से लेके ना एंड पाँव तक मैंने इसको हर चीज़ में ऐड करना होता है, ताकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप लोगों ने देखा होगा। और फिर उसमें एक चम्मच हम ऐड करेंगे कस्टर्ड ऑयल का, ये वाला। इनको फिर अच्छे से मिक्स करके ना फिर बालों को लगा के ना, ग्लैसरीन के साथ ये होता कि आपके ना फिर 5-6 दिन ना बाल, आपके बालों का ना बम्ब नहीं फटता, बाल ना फिर सॉफ्ट रहते हैं। बेशक हेयर कलर भी किया हो, ताकि मैं तो हेयर कलर ना बहुत ज़्यादा किए हैं, तो फिर मेरे बालों को जो सेट करता है वही फिर ग्लैस। चलिए, इतनी काफ़ी है। और उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी, मैंने फिर इसको पूरी रात में तो लगा के छोड़ूंगी बालों के, तो उसके बाद फिर सुबह को मैं वॉश करूँगी। पूरी रात मैंने ऑयल लगाऊंगी, ताकि सर्दियों के ना बाल भी ड्राई हो, स्किन भी मेरी ड्राई हो जाती है। चलिए जी गाइस, मैंने आज बनाई है दाल। तो आपको पता है कि सैमा की बड़ी फेवरेट दाल है, दाल हमेशा देसी घी या मक्खन में अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने बताऊँ क्या किया है, आप लोग भी कीजिएगा, यकीन जाने वो मज़ा आ रहा है। मैंने इसमें क्या किया, इसमें बिरयानी का ना ये छोटा सा पैकेट था मेरे पास पड़ा, तो वो मैंने इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया। आप यकीन जाने है तो ये दाल है, पर खुशबू इसमें बिरयानी की आ रही है। तो अगर किसी को पागल बनाना है तो पूरे घर में ऐसे देखने वाले कहना शायद सैमा ने बिरयानी बनाई है। तो अगर मेरे घर वाले आए ना तो उन्होंने कहना सैमा ने बिरयानी बनाई है, लेकिन हमें देने के लिए ना इसने छुपा ली है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दाल में ये पूरा पैकेट डाला बिरयानी का, तो इसमें बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए, मैंने भाई दाल को बनाया है कुकर में, ताकि मैंने की है सिलेंडर की बचत। वैसे तो दाल मेरा
आधे घंटे से पहले नहीं बन, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेंडर ज़ाया हो जाना था। तो मैंने तो इसमें बनाया कुकर में यूं करके, और इसमें डाला बिरयानी मसाला, और इतनी मज़े की है ना। अब इसके साथ बनाऊंगी वाइट राइस, फिर आएगा मज़ा। ये मिर्च है ना जो मैंने ग्रीन है, इसको मैंने कट करके ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया, दरमियान में से कट की है, थोड़ा सा मेरे पास चाट मसाला पड़ा था वो मैंने डाल दी, और इसके अंदर मैंने डाल दी। आज मैंने दाल को कोई, और इसमें अब मैंने पहले देसी घी डाला, अब थोड़ा सा इसमें मक्खन डालेंगे, फिर ये बनेगी सुपर डुप। चलिए जी गाइस, ये बनाई है सनिया ने रोटी। ये पता नहीं किस तरफ कौन से मुल्क का नक्शा है जी, नहीं तुम्हें पता आटा ठीक नहीं है। हाँ इसको अपने थोड़ा पतला है, हर बंद सबसे अच्छी रोटी मैं बनाती हूँ। हाँ ये पता नहीं क्या रोटी क्या बनाई है, कोई बात नहीं पेट में ही जानी है। हाँ ये तो है। ये है जी सालन, ये किसी का सालन ना आलू। ये है जी अकेले आलू बनाए हैं, इसमें एक मटर का दाना भी है, एक है? दो है, ये देखो एक दो तीन एक तो है। चले जी ये है जी सालन अम्मी ने बनाया, ये भी हमारे घर का फेवरेट सालन है, सिंपल वाले आलू, आलू वाला शोरबा है ना, आलू शोरबा नहीं है, वैसे हल्का फुल्का सा, पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, क्या इस डिश का नाम है, अल्लाह बेहतर जानता, मुझे नहीं इस बात का इलम। चलो अपना चेहरा तो दिखाओ। चले जी, सुबह तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम व्लॉग बना सकते, लेकिन वापसी पे इसका हुलिया देखे, अस्तग़फिरुल्लाह, ये माँ कैसे साफ करेगी। हाँ इसका हुलिया देखो, हैं उल्टियाँ आई थी, माँ ने मना भी किया था नहीं जाना था बेबी, फिर क्या किया, मैंने पानी दिया। अब तुम्हें सेट है, रंग पीला पड़ गया तुम्हारा, चलो उठो पहले फ्रेश हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, चलो अपना तो बच्चों का ऐसा हाल हो जाता है, तो ये बैग, बैग की बोटियाँ निकाल दी, बैग न्यू बैग था, ये देखें बैग अंदर से, हाँ नहीं ये क्या किया है, तोबा तो न्यू बैग था, इतना ज़बरदस्त और प्यारा बैग था, ये देखें और इसकी बोटियाँ निकली, देखें छोटे छोटे पीस कर दिए इसके सारी। चले जी इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता कि हानिया को बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी जाने के बच्चों के साथ, जाहिर सी बात है हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमें भी पता था। तो लेकिन मेरी ना बस सारा दिन आप लोगों को पता मेरा कल कैसा गुजरा, मैं परेशान थी, ताकि मैंने हानिया को आप लोगों को पता कभी भी अपने से दूर नहीं भेजा था। तो मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चों को ना बेशक इस बात पे मेरे कोई माने या ना माने, बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। मेरी बेटी है कल गई है वापसी पे, जब आई है तो इसका रंग इतना पीला हो गया था कि जैसे ये कंबल था ऐसे इस तरह की ये हुई पड़ी थी, तो उल्टियाँ जैसे वो उन्होंने बस में बिठाया उसको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो लेकिन स्कूल वालों से भी मेरी ये क्या, बच्चों को लेके जाते हैं तो उनकी भी केयर भी किया करें, तो उन्होंने कहती मम्मा सिर्फ पानी पिलाया, आप बच्चों को ना थोड़ा सा, एक तो कहती मम्मा मुझे सीट बिल्कुल नहीं दी उन्होंने, तो कहती छोटे बड़ी आपियों को बिठा दिया कि बच्चे खड़े होके जाएंगे, कितनी गलत बात की है स्कूल वालों ने, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद ये है कि जब आप पेमेंट पूरी ले रहे हो तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो नाजुक सी मेरी बच्ची है, उसके ऊपर बैग पे ऊपर वो बैठ गई, बड़ी आपी है जो हानिया बोल रही है, वो बैग का मैंने आपको हशर नशा दिखाया, उसकी बोटियाँ निकली पड़ी है रात की, फिर सारा वहाँ पे कहती मम्मा उल्टियाँ करती रही हूँ, वापसी पे वो करती रही है, अब इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। मुल्तान तक का सफ़र किया तकरीबन 3-3.5 घंटे का हम यहाँ से, तो अब इसको दवाई दी है तो उल्टी अभी भी आ रही है। मैंने सोचा कि अब इसको फ्रेश करती हूँ और फिर मैं ना इसको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो लिहाजा स्कूल वालों से भी है कि अगर आप, पहली तो बात, अगर बच्चों को लेके जाना हो तो ना आसपास के जगह ले जाएं, इतनी दूर नहीं लेके जाना चाहिए, अगर आप लेके जाते हैं ना तो फिर बच्चों की केयर भी किया करें, आप साथ छोटी सी दवाई रखा करें, बच्चों को कोई बंदा लेमन पानी पिला देता है, कुछ भी होता है सो होता है, तो आज वो आखिर आती गले लग के रोना शुरू हो गई है, कहती मम्मा आप होती तो, मैं कह बेटा मैं होती तो ये नौबत ही ना आने देती, और हानिया के ऊपर साथ किसी वजह थक जाता है बच्चा, जाहिर सी बात है, फिर साथ उसके खड़ी रही है,
तो उसके पाँव के ऊपर किसी ने पाँव रख दिया, वो पाँव सारा उसका ख़राब हो गया, नाखून उतर गया। इतना मैं बेशक मैं नहीं मान, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने बच्चों को भी छोटे बच्चों को ना भेजा करें। स्कूल वाले तो ले जाते ताकि उनको पेमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें पैसा इकट्ठा करना होता है। मैं तो यहाँ पे सच्चे अल्फाज बोलती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी बुरी लगना शुरू हो जाती हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। मेरी मासूम सी बच्ची के साथ बीमार हो गया उल्टी तक। मैं तो उसको, आप लोगों को पता है कि मैंने तो इसको फूलों की तरह रखा हुआ, मैं नहीं इसको करती है, इसकी सारा दिन बहुत ज़्यादा मैंने इसकी केयर करती हूँ, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के सामने ही है। तो बच्चों को जब आप लेके जाएं, फिर बच्चों का ख्याल भी रखना चाहिए, और बच्चों को फिर दूसरा ना उनको सीट दे, उनको बार बार पूछें आपको कोई मसला तो नहीं है। जाहिर सी बात है, ये नहीं है कि उसको बस आपने पेमेंट ली है और बच्चों को बस में बिठाया, उसके बाद आप लापरवाह हो जाते हैं। सही हो गया उनको, तो आप लोग अपनी मगन में हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, पूछते नहीं है बच्चा किस हाल में है। सुबह की तकरीबन 6 बजे से घर से निकली हुई है और रात को 12 बजे आई है, कहती मम्मा मेरी, आप लोगों को पता है, एक तो कुछ खाती नहीं, कितना कुछ करना पड़ता है मुझे इसको खिलाने के लिए, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, यहाँ जाना है, वो करना है। वो बच्चा ऐसे खाता जैसे एक माँ की आदत होती है, सारा दिन भूखी रही, चीज़ें थी वो पता बच्चे उसी टाइम लेके खा लेते हैं। तो मुझे इतनी ये ज़्यादा बीमार हुई पड़ी है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसको भी ऐसे नसीहत मिल गई, कहती माँ एक मरतबा माफ़ कर दे, दोबारा ज़िंदगी में मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी। लेकिन खैर ये बच्चे वक्ती तौर ऐसे कर रहे हैं, अगला साल जब आएगा तो फिर इन्होंने भूल जाना है, फिर स्टार्ट होना है। तो अभी तो ये देखिए, अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है ना, तो आप उसको, मेरा यही मशवरा, कभी ना भेजें, छोटे बच्चे को नहीं। जब बड़ा बच्चा होता है वो अपनी केयर कर लेता है, उसको साथ मेडिसिन ले जाता है, उसको पता होता है, वो खा लेता है, थोड़ा सा घूम फिर लेता है। तो ये तो बेचारी, आप लोगों को पता है, ये सिर्फ ये मम्मा के साथ ही है, तो इतनी ज़्यादा बहुत बीमार हो गई है मेरी बेटी। लेकिन ये स्कूल वालों का मेरा स्पेशल पैगाम है कि जब बच्चों को लेके जाते हैं ना, उनकी केयर किया करें, उनको सीट दिया करें बैठने के लिए, ठीक हो गया, और उनसे बार बार पूछा भी करें। साथ कोई दवाई लेके जाते हैं जो अपने बच्चे, जिसको कोई बीमारी होती है, किसी को बुखार हो जाता है सफ़र में, किसी को कुछ हो जाता है, तो खुदाया उसका ख्याल किया करें, ठीक हो गया ना, अपने बच्चे समझ के लेके जाया करें। ये मेरा पैगाम है आप लोगों को। तो दोबारा लिहाजा, अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ, इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो क्या बनता, तो मैं किसी को भी ना छोड़ती। ये मेरा, आप लोगों को मेरी आदतों का भी अच्छे तरीके से पता है। तो मुझे इतनी, मैं सुबह के इसके पास बैठी हूँ, इतनी फिक्र मुझे लगी हुई है। अब इसको ये डरती हुई नहीं जा रही, सो पता कि डॉक्टर ने इसको मेडिसिन देनी है और साथ उसको इंजेक्शन भी लगाना है। ये इंजेक्शन के डर से डॉक्टर के पास नहीं जा रही, यहीं पे बैठी, मम्मा मुझे दवाइयाँ दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, मुझे फलाना दे दे। जाहिर सी बात है बच्चा इंजेक्शन से डरता है। तो इसलिए मेरा स्कूल वालों से पैगाम है कि जब बच्चों को लेके जाते हैं ना, उनका ख्याल किया करें, उनकी थोड़ा सा पूछा भी करें। ये नहीं है बस बस में बिठाया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है।